नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। हम इस वीडियो में एक एकड़ मोहगनी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या सच में हम मोहगनी की खेती से करोड़ों में आमदनी ले सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो मोहगनी की कई सारी प्रजातियां हैं, पर मुख्यतः 5 प्रजातियां फेमस है। पहली क्यूबन मोहगनी, दूसरी हंडूरन मोहगनी, तीसरी मैक्सिकन मोहगनी, चौथी अफ्रीकन मोहगनी, पांचवी न्यूजीलैंड मोहगनी। हम इस वीडियो में अफ्रीकन मोहगनी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिसकी लकड़ी लाल रंग की होती है और अभी मार्केट में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। एक एकड़ मोहगनी की खेती में कितनी लागत आती है। लागत निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप 15x15 की दूरी लेकर मोहगनी के पौधों का पौधारोपण करते हैं, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 15 फीट और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी भी आप 15 फीट ही लेते हैं, तो एक एकड़ में 200 मोहगनी के पौधे लगेंगे। मोहगनी के 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई वाले एक पौधे का मूल्य हमें 60 से 90 रुपये के बीच में मिलता है। हम एक पौधे का मूल्य 90 रुपये लेते हैं। इस तरह हमारा एक एकड़ मोहगनी की खेती में पौधारोपण का खर्च आएगा 18,000 रुपये। नर्सरी वाले आपको ज्यादा पौधे बेचने के चक्कर में 6x6 या फिर 8x8 की हाई डेंसिटी में मोहगनी के पौधे लगाने का बोलते हैं, पर यह दूरी कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए आप 15x15 की दूरी लेकर ही मोहगनी के पौधों का पौधारोपण करें। इस दूरी पर आपके पौधों में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन भी रहेगा और एक पौधे के ऊपर सूर्य का प्रकाश भी अच्छी तरह से आएगा। इस तरह से आप मोहगनी के पौधे से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मोहगनी के पौधों का पौधारोपण करने के पहले हमें खेत की तैयारी करना होगी। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपये। मोहगनी के पौधों का ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 2,000 रुपये। रासायनिक खाद का हमारा खर्च आएगा 1,200 रुपये व जैविक खाद का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपये। इस तरह पहले साल मोहगनी की खेती में हमारी लागत आएगी 29,200 रुपये। दूसरे साल हमारी लागत खाद की आएगी 3,000 रुपये व अन्य कामों के लिए मिशनरी कॉस्ट आएगी हमारी 3,000 रुपये। दूसरे साल से आने वाले कई सालों तक हमारी लागत 6,000 रुपये के आसपास ही आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके मोहगनी के पौधे की ग्रोथ होगी आपकी लागत भी कम होने लगेगी। यानी कि मोहगनी की खेती में पहले साल हमारी लागत आई 29,200 रुपये व दूसरे साल हमारी लागत आई 6,000 रुपये व प्रत्येक वर्ष हमारी लागत 6,000 रुपये के आसपास ही आई। लागत के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। एक एकड़ मोहगनी की खेती से हमें कितना उत्पादन मिलता है। अफ्रीकन मोहगनी का पौधा तैयार होने में मिनिमम 15 वर्ष तक का समय लेता है। 15 वर्ष में एक पौधे की ऊंचाई 50 से 70 फीट तक चली जाती है और इसके तने की मोटाई 40 से 60 इंच तक रहती है। वह एक पौधे से आपको 20 से 30 क्यूबिक फीट तक उत्पादन मिलता है। हम एक पौधे से 20 क्यूबिक फीट उत्पादन लेते हैं। हमने एक एकड़ में कुल 200 पौधे लगाए थे, हमें सिर्फ 180 पौधों से भी उत्पादन मिलता है। तो एक पौधे से हमें उत्पादन मिला था 20 क्यूबिक फीट, इस तरह 180 पौधे से हमें उत्पादन मिला 3600 क्यूबिक फीट। हमें एक पौधे से 20 क्यूबिक फीट उत्पादन इसलिए मिलता है क्योंकि जैसे जैसे मोहगनी के पौधे की हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके तने की मोटाई कम होने लगती है। इसलिए हमें 60 से 70 फीट ऊंचाई वाले एक पौधे से सिर्फ 20 से 30 क्यूबिक फीट तक ही उत्पादन मिलता है। यानी कि एक एकड़ अफ्रीकन मोहगनी की खेती से हमें लाल लकड़ी का उत्पादन मिला 3600 क्यूबिक फीट। अब हमने यह उत्पादन क्यूबिक फीट में इसलिए लिया है क्योंकि मोहगनी की लकड़ी क्विंटल में नहीं बिकती है या क्यूबिक फीट में बिकती है। अब इसका क्या भाव है यह हम जानेंगे तीसरे पॉइंट के बाद में। इसलिए लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर।
मोहगनी की खेती का सही समय क्या है? मई के महीने में आप गड्ढे कर दें और जून और जुलाई में पहली बारिश के बाद में आप मोहगनी के पौधों का पौधारोपण कर दें। पौधारोपण के 3 साल के बाद में ही मोहगनी के पौधे में फल आने लगते हैं। लागत उत्पादन समय के बाद में अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी। 1 एकड़ मोहगनी की खेती से कितनी आमदनी होती है? मोहगनी की लकड़ी काफी हल्की होती है, इस कारण इसका उपयोग वाद्य यंत्र बनाने में, जहाज बनाने में, होम डेकोरेशन में, टी हाउस बनाने में और वाटर होम बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगता, इस कारण मोहगनी की लकड़ी की पूरे विश्व में डिमांड बढ़ी है, जिस कारण हमें 1 क्यूबिक फीट मोहगनी की लकड़ी का भाव 1800 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक देखने को मिलता है। हम मिनिमम भाव 1800 रुपए लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 3600 क्यूबिक फीट व 1 क्यूबिक फीट का, हमने भाव लिया है 1800 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 64,80,000 रुपए, यानी कि 1 एकड़ मोहगनी की खेती से 15 वर्ष के बाद में हमारी आमदनी हुई 64,80,000 रुपए, यानी कि प्रति वर्ष हमें 4,32,000 रुपए की आमदनी हुई मोहगनी की खेती से। 4,32,000 की आमदनी हम हर साल किसी भी फसल की बागवानी करके कमा सकते हैं, पर बागवानी करने में हमारी लागत व मेहनत दोनों ही ज्यादा लगती है व मोहगनी की खेती में हमारी लागत व मेहनत ना के बराबर लगती है। पर मोहगनी की खेती करने में कुछ रिस्क भी है, जैसे अभी मोहगनी की लकड़ी की मार्केट में डिमांड है, 15 साल बाद भी यही डिमांड और यही भाव रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यह सोचकर मोहगनी की खेती करना कि 15 साल के बाद में हमारी करोड़ों में आमदनी होगी, यह शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने जैसा है। तो फिर क्या करें? मोहगनी की खेती ना करें? तो आप मोहगनी की खेती करें, लेकिन अपनी 1 एकड़ की कृषि भूमि की जगह आप मोहगनी के पौधे खेत की बाउंड्री के चारों तरफ लगा दें, या फिर जो जगह खाली पड़ी वहां पर आप मोहगनी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें। इस तरह आपका नुकसान भी नहीं होगा और खाली पड़ी जगह का सदुपयोग भी होगा। तो 15 साल के बाद में अगर आपको मोहगनी की लकड़ी का यही भाव देखने को मिलता है या फिर इससे भी ज्यादा भाव मिलता है, तो फिर आपकी करोड़ों में आमदनी हो सकती है। इसलिए आप मोहगनी के पौधों का पौधारोपण यह सोचकर करें कि यह आपकी एक FD है जो कि 15 साल के बाद में निकलेगी। इस तरह से मोहगनी की खेती में आपकी रिस्क भी नहीं रहेगी और अगर भगवान ने चाहा तो आपकी आमदनी भी अच्छी खासी होगी। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट है। हमारी आमदनी हुई थी 64,80,000 रुपए, लागत आई थी 1,13,200 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 63,66,800 रुपए। मोहगनी की खेती के साथ में आप कई फसलों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। मोहगनी के पौधे की जड़ों से नाइट्रोजन मिलता है, जिस कारण आप अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।